हाय एवरीवन, मैं सूरी साहब स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। तो आज जो हम बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, उस बाइक को मैंने तकरीबन 3000 किलोमीटर चलाया है और उत्तराखंड और हिमाचल की बड़ी ही ख़तरनाक पहाड़ियों पे मैं इसे चला के आया हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं इसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, तो ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके प्रोज़ क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, शायद ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो वीडियो देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक के बारे में, रॉयल एनफील्ड बुलेट 500 सीसी। पॉपुलर एंड लोगों की फेवरेट इसलिए क्योंकि इस बाइक को पहली नज़र में देख के एक ओल्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट की फील आती है, भले ही इसका टैंक हो, सीट डिज़ाइन हो, मडगार्ड्स हो या टूल बॉक्स हो। काफ़ी कुछ इसमें पुराने रॉयल एनफील्ड बुलेट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके ट्विन स्पार्क EF5 500cc इंजन के बारे में। सो दिस 500cc इंजन जनरेट्स अ पावर ऑफ 27.57 PS एट 5250 RPM। सीरियसली, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों को इस नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है ना कि ये पावरफुल कितनी है। यस, दिस इज़ अ पावरफुल बाइक। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पिलियन राइडर एंड लगेज के साथ ये बहुत ही स्टीप चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह चढ़ गई। हाँ, तो ये है हाटू पीक की चढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। और अभिषेक मेरे पीछे बैठा पिलियन राइडर के साथ, ऐसी चढ़ाई बहुत ही कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट डिपेंड्स ऑन द राइडर। हम तो तगड़े राइडर हैं भाई साहब। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। फर्स्ट गियर के ऊपर चढ़ा रहा हूँ मैं पूरी बाइक अपनी। एक और इसका बहुत ही खास फीचर जिसके लिए मैं रॉयल एनफील्ड को देना चाहूँगा, वो है इसका डुअल चैनल ABS सिस्टम। यानी कि रॉयल एनफील्ड ने फर्स्ट टाइम अपने स्टैंडर्ड मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक एंड ABS इंस्टॉल किया। यानी कि अब बिना झिझक के जहाँ मर्जी ब्रेक मारो। बात करते हैं अब इसके कंफर्टेबिलिटी एंड सेटिंग पोस्चर के बारे में। तो ये बाइक सीरियसली काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग रूट्स के लिए। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो मैं औरों का तो नहीं जानता, बट मेरे केस में जो मैंने मैक्सिमम स्पीड इसकी हिट करी वो थी 120 किलोमीटर्स पर आवर, वो भी बहुत सारी वाइब्रेशंस के साथ। बट वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा रुक के बात करते हैं। तो टेल लाइट में इसमें क्लासिक टच दिया गया है और फ्रंट में वही सेम राउंड हेडलाइट है विद टू पार्किंग लाइट्स, जिसे कि हम टाइगर लाइट्स या फिर पार्किंग लाइट्स भी कहते हैं। इसके टैंक की फ्यूल कैपेसिटी है 13.5 लीटर। आई नो आपके मन में क्या सवाल है, कितना देती है? ये देती है 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ARAI के हिसाब से। ये मैंने मेजर नहीं किया है। इस बाइक में अब कोई कमी नहीं है, बस पैसे फेंको और ले लो। चल झूठा। अब अगर हमने इस बाइक की नेगेटिव चीजें नहीं दिखाई तो ये इस ऑनेस्ट रिव्यू की तोहीन होगी। पता तो आपको लग गया है किस बारे में बात होने वाली है। देखो, इसमें ना वाइब्रेशन कूट कूट के भरी हुई है, इसके रगों में, रॉयल एनफील्ड के रगों में वाइब्रेशन बहती है। तो बेसिकली ये एक वाइब्रेटिंग मशीन है। आप भूल जाइए कि 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप भाग रहे हो तो इसके शीशे में आपको कुछ दिखाई दे जाएगा।
इसके शीशे में पीछे वाले क्या है आप अपने आप को नहीं पहचान सकते, आपको कुछ यूं दिखाई देगा। समझ गए? तो इस बाइक में है लैक ऑफ फीचर्स। इसमें ना ही आपको टैकोमीटर मिलता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मीटर होना चाहिए ट्रिप मीटर, वो तक इस बाइक में नहीं। तो अगर आपको मेरी तरह भूलने की बीमारी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो आपको पहले मीटर की फ़ोटो खींच के रखनी पड़ेगी और फिर पता लगाना पड़ेगा कि कितना चला है मीटर, या फिर इस नंबर को कहीं ना कहीं नोट करना पड़ेगा। और फ्यूल मीटर के नाम पर सिर्फ एक लाइट दे रखी है, फ्यूल इंडिकेटर दे रखा है, तो बस आप इसी के भरोसे हो। कभी कभी इसके टैंक में इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि आप डर जाओगे सीरियसली जब ढक्कन खोलोगे। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, कई बार इससे भी ज़्यादा प्रेशर बनता है। और अगर आपका टैंक फुल है तो पेट्रोल उछल के बाहर आता है, पर मैक्सिमम टाइम्स ये तब होता है जब आपकी बाइक बहुत ज़्यादा हीट कर जाए या फिर वो बहुत टाइम तक धूप में खड़ी हो। और बाइक्स के मुकाबले इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 110 या 120 तक आते आते ही ये बाइक दम तोड़ देती है। इसमें फाइबर का कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं हुआ है, तो ऑल मेटल बाइक होने के कारण इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। इसकी लाइट्स वगैरह इतनी ब्राइट और वाइड नहीं है, मतलब अगर आपको ये गाड़ी रात में भागानी है या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है शहर से बाहर, तो आपको इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स इंस्टॉल करवानी पड़ेंगी। अब वक्त आ गया इस वीडियो को ख़त्म करने का। काफ़ी कुछ मैं इस बाइक के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेना या ना लेना ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सो गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ काम आई होगी। तो हाल ही में मैं इस बाइक को लेके गया था अपने साथ राइड पे उत्तराखंड एंड हिमाचल में। अपकमिंग मोटो ब्लॉग्स जो मेरे आने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर इस बाइक से रिलेटेड आने वाले हैं, तो शायद आपको इस बाइक के बारे में जानने में और ज़्यादा हेल्प हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो। स्क्रीन के नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे जाके दबा दबा के उसमें छेद कर दो, पर सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलो। अभी के लिए मैं सूरी साहब आप सबसे जाने की इजाजत चाहूँगा।